गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो आज मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लाया हूँ जिसका नाम है एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक ट्यूब। एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक ट्यूब, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, है ना। डेफिनेशन, इसकी क्या डेफिनेशन है, एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक ट्यूब क्यों यूज लेते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या है पर्पज, सारे वो जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, एक स्मॉल ट्यूब, स्मॉल 3 लुमेन ट्यूब, 3 लुमेन ट्यूब, 3 लुमेन होते हैं ट्यूब, इंसर्ट इन एसोफेजियल टू स्टोमक वाया नोज, नोज है ना, नाक के जरिए एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टोमक में इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, क्या क्या इंडिकेशन में करवा सकते हैं, तो एसोफेजियल वेरिकोस वेन यानी आउट पाउचिंग हो जाए, या मीडियल ये मेडिकल इमरजेंसी है ये, फिर एसोफेजियल इरोजन यानी ब्लीडिंग हो जाना, फिर अपर जीआई सीवियर ब्लीडिंग, यानी जो जीआई के अपर पार्शन होता है, एक लोअर पोर्शन होता है, तो अपर जीआई में सीवियर ब्लीडिंग है ना, इस कंडीशन में ये इंडिकेशन है, इसके दे सकते हैं या लगा सकते हैं। ट्यूब्स, ट्यूब्स का सेकेंड नाम होता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम है इसका वो है संगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब, संगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब, इसको बोलते हैं एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। सेकेंड नाम इसका संगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब है। ये लुमेन, ऊपर वाला लुमेन, उसको एसोफेजियल लुमेन बोलते हैं। सेकेंड लुमेन को सक्शन लुमेन, जहाँ सक्शन करते हैं, यहाँ से सक्शनिंग प्रोसेस करते हैं। गैस्ट्रिक लुमेन, जो गैस्ट्रिक कंटेन होता है ना, वो इसी लुमेन से पता करते हैं, ठीक है। ये बीच में जो पार्ट है उसको बोलते हैं एसोफेजियल बलून, नीचे का पार्ट है उसको गैस्ट्रिक बलून या एसोफेगिशियस बलून, ये गैस्ट्रिक बलून, और ये मॉर्फी आई होती है इसके, 3, 2, 4, 6 टाइप्स। उसके बाद आगे क्या है, इसको मिनियोस्टोला ट्यूब भी बोल सकते हैं, ए 4 लुमेन ट्यूब यूज विथ एसोफेजियल सक्शन लुमेन, ठीक है, सक्शन में मोस्ट कॉमन यूज ट्यूब होती है, ठीक। तो आज तो ये इतना ही लिखता था, तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।